आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री कृष्ण गुप्ता जी, जिन्होंने ऑर्गेनिक वेलनेस का ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। आइए जानते हैं इनका इस प्रोजेक्ट शुरू करने के इनके पीछे इनका मकसद क्या था। नमस्कार आप सबको। मेरा इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का, जो कि विलेज बाबई में है, जो कि रिमोट विलेज है बुंदेलखंड के अंदर, मकसद केवल एक था कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इस देश के अंदर जो अब पॉपुलर होते जा रहे हैं, विदेशों में काफ़ी पिछले सालों से पॉपुलर हैं, उन प्रोडक्ट्स को ऑथेंटिक क्लीन तरीके से बनाने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर पहले पोल्यूशन ना हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वाटर हो, और इवन धरती के अंदर जो भी पैदावार हुई हो पहले, उसके अंदर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो जहरीले होते हैं, जिनको प्रोडक्ट के द्वारा फूड चेन के द्वारा खाने से बहुत सी बीमारियां हो रही हैं, तो मैं ऐसी जगह ढूंढा। उसके साथ साथ हम ऐसी जगह और ढूंढ रहे थे जहां पर किसान के खाने की तकलीफें हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं, और किसान को जीने का और कोई तरीका नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो एक भगवान का आशीर्वाद मानिए कि बुंदेलखंड में हमें यहाँ पर बाबई गांव के अंदर जमीन मिली, और जहाँ पर ये भव्य प्लांट जो आप बैठे हैं, आज आप देख रहे हैं, इसको हमने शुरुआत करा। आप इस अपने प्रोजेक्ट में आप जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और वहीं पर हमारे दर्शकों को बताइए आप क्या क्या यहाँ पे बनाते हैं। मैं जितने भी प्रोडक्ट्स बनाता हूँ वो वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए कंपनी का नाम भी मैंने ऑर्गेनिक वेलनेस ही लगाया। और ऑर्गेनिक वेलनेस का मतलब है वेलनेस ऑफ एवरीवन, स्टार्टिंग फ्रॉम मदर अर्थ, किसान, फार्मर, कस्टमर जो कि मेरे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता है, और मेरे एसोसिएट्स और पार्टनर्स जो देश और विदेश में हैं, एंड अबव ऑल एवरीवन इन द चेन। जो मेरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास करीब 18 तरह की अलग अलग तरह की चाय है, उसे इन्फ्यूजन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से प्रोडक्ट्स के अंदर बिल्कुल भी चाय नहीं है, वो अलग अलग हर्ब्स का इन्फ्यूजन है। उसके बाद मेरे पास कंप्लीट रेंज ऑफ फूड सप्लीमेंट्स हैं, जो कि यदि जो आदमी बीमार नहीं है वो उनका सेवन करता है तो हर समय वो तंदुरुस्त रहेगा, और यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं, उनके सेवन से जरूर जड़ से आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। क्योंकि ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं बना रहा हूँ वो मैंने कोई इजाद नहीं करे, इस देश का इतिहास है, इस देश का 5000 से पुराना इतिहास है। मैंने केवल उन प्रोडक्ट्स को ऑथेंटिक ऑर्गेनिक फॉर्म में उगाया है, मॉडर्न साइंस की तरह मैंने अपने प्लांट में ब्लेंड किया है और अपने कस्टमर्स के दिया है। इसके अलावा मेरे पास सुपर फूड्स हैं, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक घी है, मोरिंगा है, वीट ग्रास है, किनवा है, ये सुपर फूड्स की रेंज है, और स्पेशल टर्मरिक 5% कर्क्यूमिन के साथ। इस तरह से करीब इस समय मेरे पास 100 प्रोडक्ट्स की रेंज है, और आने वाले दिनों में अगले महीने से मैं ऑर्गेनिक चॉकलेट्स भी ऐड कर रहा हूँ। आपके जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये पूरे देश विदेश में कहाँ कहाँ कितने स्टेट्स में जाते हैं? ऑर्गेनिक वेलनेस के प्रोडक्ट्स इस समय अपने पैन इंडिया प्रेजेंस है, और करीब 28 देशों में ओवरसीज एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। नाम के तौर पर कनाडा हो गया, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, टू नेम फ्यू। और आपने आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोजेक्ट के लिए कुछ हेल्प वगैरह? देखिए ये जो प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया है ये मेरा पैशन है, जो कि मेरा बिजनेस बन गया। ये कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, प्योर बिजनेस है, लेकिन बिजनेस विद स्टार्टिंग विद एथिक्स, टोटल इंटीग्रिटी, मेकिंग श्योर एवरीवन इन द चेन विन्स। गवर्नमेंट का सार्थक सवाल है, पूरा आशीर्वाद है, मैं ऐसे रिमोट विलेज में हूँ, मेरे को कोई तकलीफें नहीं है, हर तरीके का सपोर्ट है। आज आपने देखा था कि कंप्लीट पूरा मीडिया यहाँ पर आज जमा हुआ था, बिना किसी लालच के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, कंप्लीट गवर्नमेंट मशीनरी यहाँ पर थी। यहाँ तक कि हमने केवल व्हाट्सएप पे केवल इनवाइट भेजा, और आपके सामने पूरा माहौल यहाँ पर आपने देखा है। तो आई वुड से आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड, हम बहुत ही किस्मत वाले हैं कि हमें पूरा सपोर्ट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, लाइसेंसिंग अथॉरिटीज का मिल रहा है। और जिस तरह के आज आपने देखा डॉक्टर्स के समूह आए थे, सीनियर डॉक्टर्स आए थे, जिस तरह की तारीफ कर रहे थे, जिस तरह का एश्योरेंस दे रहे थे, जिस तरह से प्रोडक्ट्स की कहानी बता रहे थे, जिससे प्रोडक्ट्स के फायदे बता रहे थे, मुझे इतना खुशी होती है कि हमने जो ये डिसीजन लिया इस रिमोट विलेज में आके इस प्लांट को लगाने का, मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में हम जरूर ऐसे कुछ और प्लांट लगाने की तरफ अब सोचना शुरू कर सकते हैं। अब इसका जो भविष्य है ऑर्गेनिक बिजनेस का, वेलनेस का, आप इसका क्या विजन सोचते हैं आने वाले टाइम में? देखिए ऑर्गेनिक वेलनेस का मेरा जो लक्ष्य है अगले 5 साल में,
कम से कम मैं 200 लोगों को अपने इन गांव के ही मेरे साथियों को मैं रोजगार दे सकूं। इस समय मैं इस वर्ष के अंत तक करीब 50 से 70 लोगों को रोजगार दे पाऊंगा। मेरा रोजगार देने का उद्देश्य ये नहीं है कि आज नौकरी दे दी कल से चले जाओ। मेरा रोजगार देने का उद्देश्य है कि जिंदगी भर लाइफ टाइम मेरे साथ पार्टनरशिप, मेरे साथ कमिटमेंट। दूसरा मेरा उद्देश्य कम से कम 700 से 1000 लोगों की किसान जो हैं, जो एक एक दो दो एकड़ के मार्जिनलाइज किसान हैं, उनके पास कुछ उगाने को नहीं है, कुछ खेती के साधन नहीं है, केवल बारिश हो गई वर्षा पे डिपेंडेंट हैं, उन लोगों के लिए मोरिंगा जैसी फसलें और प्रमोट करूं, जिससे कि आने वाले दिनों में उनकी इनकम को बहुत अच्छी तरीके से करा जा सके, जिससे अपना जिंदगी वो सेल्फ रिस्पेक्ट से जी सके, अपने परिवार का गुजारा कर सके और ये एग्रीकल्चर एक एरिया ऑफ चॉइस जाए। मैं चाहता हूँ ये एग्रीकल्चर, आज कोई खेती नहीं करना चाहता, इस तरह का ल्यूक्रेटिव फील्ड बने जिससे ये लोग इस फील्ड के अंदर भी इन्वेस्ट करना शुरू करें, अपना समय, अपना दिमाग और अपनी एनर्जी। जो आपके यहाँ के जो किसान हैं, जो जहाँ पे आपकी खेती नहीं हो सकती, जैसा कि आपकी ज़मीन सारी उपजाऊ भी नहीं है, तो आप जो यहाँ के किसान हैं वो बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके इसमें आप उनका आपके साथ दें? देखिए, मेरा सबसे बड़ा मानना है कि बड़े सिटीज़ के अंदर पोल्यूशन, क्रिमिनलाइजेशन या जो भी हम इतने इशू सुनते हैं, वो सारा शुरुआत इसलिए है क्योंकि रिमोट विलेजेस के अंदर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब नहीं। यहाँ पर किसान के पास, उसके बच्चे के पास 2 से 4 एकड़ की ज़मीनें हैं, अच्छा मकान है, लेकिन वो इस छोड़ के बड़े शहर की तरफ दौड़ता है, जहाँ पर एक छोटे से मकान में 8-10 लोग रहते हैं। वो एक पोल्यूशन का कारण है, क्रिमिनलाइजेशन का कारण है और बहुत सी जो इश्यूज आज हम फेस करते हैं बड़ी सिटीज में, उसका कारण है। हम यदि इन चीज़ों से दूर होना चाहते हैं तो सबसे बड़ा उद्देश्य हमारी जैसी कंपनियों का है कि जहाँ पर ऑथेंटिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बन सकते हैं, कस्टमर को फ़ायदा है, किसान को फ़ायदा है, ऐसी जगह पर जाके इस तरह का प्लांट लगाने से एक होलिस्टिक अप्रोच आ रही है। और ज़रूर आने वाले वर्षों में यदि और कंपनियाँ दिल्ली, बॉम्बे, बड़े देशों, बड़े सिटीज़ के अंदर अपना प्लांट ना लगा कर इन विलेजेस की तरफ चले जाएंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में इस देश की प्रगति को कोई नहीं रोके। अब अंत में आप अपने जो हमारे जो दर्शक हैं और जो किसान हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपके ऑर्गेनिक वेलनेस को बढ़ावा दें, प्रोडक्ट्स के बारे में कि आपके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और उनका फ़ायदा हो? मैं ना बोलने के बजाय मैं चाहूँगा कि वो आए, मेरे प्लांट को देखें, मेरे काम को देखें और ज़रूर उनको विश्वास होगा कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बंजर जमीनों पे बन रहा है, जिनमें कभी आज तक कोई पैदावार नहीं गई, जिनमें आज तक कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नहीं डाले गए, ज़रूर उसमें जो प्रोडक्ट उगता है वो प्रोडक्ट ऑथेंटिक, ऑर्गेनिक, क्लीन रहेगा। उसके अलावा आप जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट जो आप इस्तेमाल करते हैं एक किसान की ज़िंदगी में फ़र्क ला रहा है। अबव ऑल, मैंने जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर रखी है, जैसे एक किनुआ करके प्रोडक्ट है, वो मैंने 199 रुपये का MRP इंडियन कंज्यूमर्स के लिए निकाला हुआ है, जो कि मार्केट में और कंपटीशन द्वारा 500 से 600 रुपये का एक पैकेट बेचा था। दूसरा ग्रीन टी, मैं केवल 129 रुपये की बिना एल्यूमिनियम स्टेपल पिन की वो प्रोडक्ट मार्केट में मेरा लॉन्च है, तुलसी ग्रीन टी क्लास है, और कंपटीशन इसे 170 से 200 रुपये के बीच बेचते हैं। तो कस्टमर को नॉट ओनली ग्रेट क्वालिटी, नॉट ओनली दे आर हेल्पिंग अ फार्मर हु इज रियली इन ट्रबल बिकॉज इन दिस रिमोट विलेजेस एरिया, दे आर ऑल्सो बेनिफिटिंग बिकॉज ऑफ द ग्रेट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड ग्रेट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, सो दे आर हैप्पी, दे विल बी हेल्दी, देयर फैमिलीज विल बी हैप्पी एंड हेल्दी, दे विल ऑल्सो इन टर्न एंश्योर किसान की जिंदगी में भी एक खुशहाली ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, स्ट्रेंथ टुडे भी चाहेगा कि आपका जो ऑर्गेनिक वेलनेस का प्रोजेक्ट है उसे आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत करता हूं स्ट्रेंथ टुडे। Thank you so much, Swain TV. Thank you so much.